देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। आपको बता दें, लाल किले पर उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक नए नाम पीएम समग्र स्वास्थ्य मिशन के विस्तार का उल्लेख भी किया। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का भी जिक्र किया। वहीं नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द मैं कहाँ कहूँ। वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्त करने का संकल्प ले सकते हैं? इसके साथ ही नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।